Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with a new learning video. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर करना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा नॉलेजेबल कंटेंट और आइडियाज़, मार्केट आइडियाज़ और बहुत कुछ यहाँ पे पोस्ट किया जाता है, स्विंग ट्रेड्स और सिमिलर. ये वीडियो में जो मैं ट्रेड बताने वाला हूँ, एक वन ऑफ स्टूडेंट टुक द सेम ट्रेड और उसने भी $80 से $1000 इस ट्रेड में बनाए. तो मेक श्योर करना कि ये ऐसे स्टोरीज भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो आप ज्वाइन कर लो. अब हम बात करते हैं कि ये जो ट्रेड है हमने कैसे एग्जीक्यूट किया. इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं विदाउट एनी फस. ओके, सो मैं आपको थोड़ा अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बताता हूँ. तो पहले तो हमारा प्लान क्या था. देखो, BTC अगर आप बात करोगे तो एक ट्रेंड में चल रहा है, एक हायर हाई अगर आप देखोगे ट्रेंड में चल रहा है और बीच बीच में ऐसे मूव्स आते हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ सम न्यूज़. यहाँ पे Coinbase क्रैश हो गया था, दैट्स वाई ये फॉल आया था, बट इंस्टेंट ये रिकवर हो गया. सो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ कुछ जब ऐसा बुल रन चल रहा होता है ना, बहुत शार्प फॉल आते हैं, बिकॉज ये जो फ्यूचर्स के पोजिशन होते हैं, फ्यूचर्स में जो लोग लॉन्ग करते हैं उन पोजिशन को लिक्विडेट करने के लिए ऐसे मूव्स आते हैं और इंस्टेंट यू नो रैली या रिकवर हो जाते हैं. सो उस साइकोलॉजी से, उस लॉजिक से यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था और ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी 4 आवर पे. और मेरा कहीं ना कहीं व्यू क्या था पता है, अगर आप देखोगे सेलिंग यहाँ पे स्लो होते जा रही थी, एक 15 मिनट पे जाते हैं, एंड अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे जो सेलिंग है वो स्लो होते जा रही थी. ये गिरा और उसके बाद सेलिंग, लोअर लो बना, यहाँ पे गिरना चाहिए, नहीं गिरा, उसके बाद लोअर लो बना. इसका अगर आप देखोगे तो लोज है वो टेकन ऑफ नहीं हो रहा था एंड बेसिकली लोअर हाई फॉर्म हो रहा था. सो मुझे लगा कि हो सकता है मार्केट एक शार्प रिकवरी दे जैसे यहाँ पे दिया था. तो एक 500-600 पॉइंट्स का, 1000 पॉइंट्स का यू नो BTC में नॉर्मल है इतना मूवमेंट अभी के टाइम, तो एक ऐसा लॉन्ग ट्रेड प्लान किया जा सकता है. और हमने जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई यहाँ पे, अराउंड थोड़ा एंट्री लेट हुई नो डाउट, बट जो एंट्री थी अराउंड यहाँ पे हमने प्लान की. तो बेसिकली जो लेवल्स थे ऐसे थे, तो मेरा प्लान था कि मार्केट हो सकता है ये W बनाए और यहाँ से जो है एक रिकवरी दे 70,000 प्लस. बट क्या हुआ, मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दे दिया और इसने हमारा SL खा लिया. हमारा बेसिकली टारगेट ओपन था, जितना मोमेंटम रहेगा उतना ट्रेड लेने का प्लान था. बट बेसिकली इसने क्या किया, जैसे ही ये नेकलाइन ब्रेक हुई, ये हाई ब्रेक हुआ, लिक्विडिटी ली और यहाँ पर हमारा SL खा गया. तो यहाँ पे हमने जो लॉस किया था वो $100 का समथिंग, $119 का लॉस किया था. 0.3 लॉट साइज थी, आप देख सकते हो 68,500 की बाइंग थी, 68,140 का SL था. तो 68,500 समथिंग अराउंड यहाँ पे बाइंग थी एंड 68,100 समथिंग यहाँ का SL ये लग चुका था. ओके, नो प्रॉब्लम. उसके बाद मैंने क्या किया, एक ऑब्जर्व किया कि मार्केट ने अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है और अगर इतना ज़्यादा कंसोलिडेट किया है तो यू नो इसका मतलब क्या है कि ये ब्रेकआउट फेलियर है और इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे डंप हो सकता है, राइट. सो अगर आप मेरा ये ट्रेड देखोगे, यहाँ पे मैंने ये ट्रेड जब लाइव स्ट्रीम चल रही थी इंडियन मार्केट की तब लिया था. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, कैपिटल यूज्ड पे मैं ज़्यादा फोकस डालना चाहूँगा. $84 ओनली, $84 इज ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो अराउंड 7,000 रुपीज़. तो इस ट्रेड में जस्ट 7,000 रुपीज़ यूज़ किया गया था. SL अगर आप देखोगे तो अराउंड इतना ही स्टॉप लॉस था, मेरे पास कैपिटल ज़्यादा है, बट आई यूज्ड ओनली $84 इन दिस ट्रेड. सो $84 और स्टॉप लॉस भी, अब स्टॉप लॉस डिपेंड करता है आप कहाँ लगाते हो, बट क्योंकि वॉलीटिलिटी बहुत है क्रिप्टो मार्केट्स में, इसलिए स्टॉप लॉस भी मैंने अराउंड इसी प्राइस का लगाया था, अराउंड 7,000-8,000 के आसपास. अब अगर आप देखोगे मेरा दूसरा शॉर्ट ट्रेड जो मैंने तुरंत शॉर्ट सेल लिया 0.5 लॉट साइज से, वो लिया था 67,860 के आसपास, 67,860, तो विच वाज अराउंड, अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ 67,860, तो ये यहाँ पे बनेगा. यहाँ पे मैंने दोबारा एक शॉर्ट ट्रेड लिया. मेरा बेसिकली प्लान क्या था कि SL जो है मैं छोटा SL लगाऊंगा, क्योंकि मैंने जस्ट यहाँ पे ट्रेड लिया था जो कि अब देख सकते हो इस पॉइंट पे ही ब्रेकआउट आया था, राइट. इस पॉइंट पे ही ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था. तो मेरा प्लान था कि इसके ऊपर मैं एक स्मॉल SL लगाऊंगा, ज़्यादा रिस्क नहीं करूंगा और $100 ज़्यादा से ज़्यादा वही मेरा रिस्क मैनेजमेंट फिट होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा लूंगा तो 2 stop loss a day एंड दैट्स इट. और मेरा प्लान था कि लाइक एक राउंड नंबर पे टारगेट ले, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है राउंड नंबर ऐसे मार्केट्स में. तो अगर आप देखोगे ना, राउंड नंबर और एक सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा था मुझे, ये लेवल
66,500 के आसपास, राइट 66,500। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, एक बहुत सपोर्ट जोन भी था। और जैसे ही मार्केट ने इसे जैसे ही एंट्री हुई, $80 यूज़ किए गए, $80 विच इज़ ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़, लेवरेज 1:200 का था। जैसे ही ये यहाँ पे हिट हो गया 65,600 के आसपास, ये सपोर्ट जोन था, फ्लो में निकालने का प्लान था। $1,000 के आसपास हमने बुक किया इस ट्रेड को, जो कि ऑलमोस्ट 90,000 रुपीज़ है। तो आप इमेजिन करो, 7,000 रुपये यूज़ करके 90,000 यहाँ पे बने। और जैसे ही ये सपोर्ट को मार्केट ने टच कर दिया, यहाँ पे टच कर दिया, यहाँ पर एग्जिट प्लान निकाल दिया। तो आप देख सकते हो 2,300 पॉइंट्स के अप्रॉक्स यहाँ पे यूज़ किया गया। एग्जिट जो था अमाउंट था 65,800। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 65,833, सो अराउंड यहाँ पे हमने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया। सो बेसिकली ये ट्रेड था, एंड जस्ट $80 यूज़ करके हमने इसमें $1,000 बनाए। अब ये जो फॉल है ना, इसमें अगर आप देखोगे सिर्फ 15 मिनट के 3 कैंडल यूज़ किए गए। आप ऐसे अगर मोमेंटम, और देखो ना पॉइंट्स, अगर देखो सिर्फ 2,000 पॉइंट्स कैप्चर किए, अगर ऐसे इतने सारे ट्रेड्स मिलते, जैसे यहाँ पर भी आप देखो एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, एंड सेम ट्रेड यहाँ पे ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट देखे गए। तो दैट वुड हैव बीन, अगर सेम ट्रेड यहाँ पे लेता मैं $400 के SL के साथ, सेम ट्रेड काइंड ऑफ, तो ये लेवल पे मुझे जो प्रॉफिट है वो बनता $2,500 का, विच इज़ ऑलमोस्ट 200,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट बनता ओनली यूजिंग 7,000 रुपीज़। तो यू नो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बनते हैं। ये हो गया, इसके बाद अगर सेम ट्रेड लॉन्ग के लिए हो गया, सेम ट्रेड शॉर्ट के लिए हो गया, सेम ट्रेड लॉन्ग के लिए, सेम ट्रेड शॉर्ट के लिए, सेम ट्रेड लॉन्ग, तो इतनी वॉलीटिलिटी अभी क्रिप्टो मार्केट्स में है, इतनी वॉलीटिलिटी अभी गोल्ड में है। आप देख सकते हो कॉन्स्टेंट मूवमेंट, कॉन्स्टेंट वॉलीटिलिटी। तो बहुत कम कैपिटल में आप यहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते हो विदाउट थीटा डी के, 24 आवर ओपन मार्केट, हाई लेवरेज और वॉलीटिलिटी इतनी कि स्मॉल SL बड़े टारगेट्स, और क्योंकि इतना वॉल्यूम है मार्केट में तो मोमेंटम भी बहुत बड़े आते हैं। नो डाउट एक दो स्टॉप लॉस जा सकते हैं, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपका 10,000 रुपये का कैपिटल है पूरे 10,000 यूज़ करो एक ट्रेड में, बट हाँ आप यूज़ कर सकते हो 1,000 रुपये एक स्टॉप लॉस के लिए, और उसके बदले आप 10,000 भी बना लो तो क्या ख़राब चीज़ है, राइट। सो आपके आपके रिस्क मैनेजमेंट, आपके आपके फाइनेंस के हिसाब से आप जो पोर्टफोलियो या जो ट्रेड है मैनेज कर सकते हो। बट मेरे को बस इतना इस ट्रेड से ये दिखाना था कि ओनली यूजिंग $80 आई मेड $1,000। और एक और मेरे को आपको एग्जांपल देना है, ये एक स्टूडेंट ने भी किया था, जैसे कि आपको मैंने टेलीग्राम पे बताया। एक और एग्जांपल मुझे कुणाल का देना है, जो कि एक हमारे सब्सक्राइबर है। तो ये भी लाइक IBZ स्टूडेंट भी है, इन्होंने हमारा IBZ भी लिया था पहले। सो इन्होंने भी $1,200 महज यूज़ करके $50,000 से ज़्यादा बना लिया है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो, 35,000 यहाँ पे करंट प्रॉफिट था, जिसमें से 5,000 उन्होंने ऑलरेडी विड्रॉ भी कर लिया था। तो इतना क्रेजी अपॉर्चुनिटी अभी क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट्स दे रहा है, एंड ये शॉर्ट टर्म रहेगा, बिकॉज वंस ये बुल रन हो गया, मार्केट स्टेबल हो गए, आपको पता है उसके बाद पूरा वॉल्यूम अलग अलग मतलब स्प्रेड हो जाएगा। सो अभी सबका फोकस यहाँ पे, तो इट्स बेटर कि आप इस अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल कर लो, बिकॉज इतना ROI आपका बाद में कहीं नहीं मिलेगा। अब इस ट्रेड में भी मैंने $50 यूज़ किया, ऑलरेडी $130 चल रहा है। अब अगर आप देखोगे ये ट्रेड थोड़ी देर पहले यहाँ पर था 68,700 पे, अगर आप सेम ट्रेड देखोगे 68,700, मतलब $240, यानी मेरे कैपिटल का 4 गुना ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना लिया था। मेरा अब स्टॉप लॉस भी बढ़ा है, आई नो, बट मेरा बोलने का ये इस वीडियो के पीछे ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि यू कैन मेक बिग मनी विथ ओनली यूजिंग लेस कैपिटल। एंड अगर आपको स्टार्ट करना है फॉरेक्स, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड मेक श्योर करना आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एंड दैट्स इट। आई होप आपको इस वीडियो से लर्निंग मिली होगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन न्यू वीडियो।